है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज दोबारा से खेल रहे हैं बेंटन प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ, और लास्ट एपिसोड में हमने खेला था हिस्टोरिक बैटलफील्ड। बता देता हूँ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। जैसे और एपिसोड्स में हम मारते हैं और मतलब विलन्स को, वैसे मारा था, और लास्ट में एक किसी का हाथ आया था खींच के, और वो मुझे लग रहा है डॉक्टर एनिमो था, क्योंकि पहले जो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना कि बायो में डॉक्टर एनिमो हैज किडनैप्ड गोयन, ये लिखा है, तो देखा डॉक्टर एनिमो ने किडनैप किया है गोयन को। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि लास्ट एपिसोड के एंड में ऐसे हाथ से खींचता है, तो वैसे ही मुझे पता लगा कि ये डॉक्टर एनिमो ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, वैसे लिखा हुआ आया था कि डॉक्टर एनिमो ने कुछ तो किया है, मतलब उसके साथ ही फाइट होने वाली है। बोले मेरे ख्याल से ना, मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि इसमें भी दिखाया था, और मुझे भी लग रहा है कि जैसे घोस्ट फ्रीक आ गया था नल वर्ल्ड से, वैसे ही घोस्ट फ्रीक के साथ साथ ही ये डॉक्टर एनिमो और बाकी भी आ गए थे, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम खेल रहे हैं अभी बायू। डॉक्टर एनिमो हैज़ किडनैप्ड ग्वेन एंड एस्केप्ड टू द बायू। मैक्स एंड बेन रश डिसेपरेटली आफ्टर हर, बट विल दे सेव हर इन टाइम। ओके, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर एनिमो, तेरे से लड़ने हैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, इससे पूछ रहे हैं। अच्छा, ये तो वो है, ask someone who cares, ये तो वो है जो कीड़े, हाँ याद आ गया, याद आ गया, देखा मैंने, बोला ना जो कीड़े के साथ लड़ता है, ये कीड़ा भेजता है। मतलब अब पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, रैम्स के लिए ये तो पता है, मतलब अब मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उसको हरा सकता हूँ, मतलब बचा सकता हूँ, मुसीबत ही मुसीबत। ओके, ग्रैब्स और रोल अप बॉल्स मेक श्योर स्ट्रीट नॉट्स। ओके, मुझे पता है भाई, भाई साहब, मतलब अब पहले इससे लड़ना पड़ेगा मुझे, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे पहले इससे लड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ग्वेन मैं आ रहा हूँ, ग्वेन मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर एनिमो को। ओके, नाइस, अब तुरंत तुरंत मारता हूँ, देखो ऐसे मारता हूँ। ये ले भाई, पूरा भवंडर बना दिया, उड़ा ही दिया। नाइस नाइस नाइस, दोनों भाई बचाइए। यही ना बात, यही तो करना था। मुझे ये बताओ मैं यहाँ कहाँ से जा सकता हूँ, ये सब छोड़ो, यहाँ आ गया इसके ऊपर से। अच्छा रुको, लेट्स ट्राई, चढ़ जा, मुझे इसके ऊपर आना पड़ेगा, इसके ऊपर से, क्योंकि मुझे वो चाहिए स्लेमर्स कार्ड के लिए। वो अच्छा, स्लेमर्स कार्ड के लिए नहीं है, मुझे जाना ही वहीं से। अबे ये क्या हो रहा है, अभी तो चढ़ गया था ब्रदर, नॉट फेयर। अबे यार, नॉट फेयर यार, इट्स नॉट फेयर। हाँ हुआ, अबे नहीं, क्या चल रहा है ये मेरी जिंदगी में,
मोस्टली हमें स्कार्ड के लिए ही हो रहा है ये पंगा। हाँ मिल गया नहीं, मैं नीचे आ सकता हूँ। अबे नॉट फेयर यार, मीटियर बोल्ट। वैसे इसका ही मुझे ऑन करने का मन कर रहा है, क्रिटिकल मेल्टडाउन, कि मैं इसी के साथ ज़्यादा खेल रहा हूँ। बट फिर भी क्विक किक मैं इसका करूँगा, ठीक है मैं इसी का करूँगा। और आई विल चेक ऐसा क्या अनलॉक हुआ है, बस ये अनलॉक हुआ है। नहीं यार, नहीं हुआ होगा लेकिन यहाँ नहीं दिख पा रहा है। जा तुम सेफ से भी बन रहे पहले। बस अरे यार इससे अच्छा तो मैं उसी का ना कर लेता। अबे अबे व्हाट द हेल, फायदा है भी या नहीं। अब हीट ब्लास्ट का ही करूँगा, बताएगा फोर आर्म्स का भी कर सकते हैं लेकिन हीट ब्लास्ट का करूँगा। वाइल्ड वाइन आ जाओ, आ जाओ भाई। अबे ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कोई बताएगा? बच गया नाइस। हैं सही तो गया था यार, ये चीटिंग, ये चीटिंग वाली चीज़ें मत क्या करूँ मैं, बहुत मारूंगा नहीं तो। ये गलत हो रहा है ब्रदर, गलत हो रहा है मेरे साथ। जा सही समझ के बच गया, समझे ये बन गया।
2 मिनट भी नहीं लगा भाई, क्या तगड़ा अटैक है ब्रदर, ये मेरा फेवरेट अटैक हो चुका है। बहुत टफ जगह पे ब्रदर, कार्ड बट मुझे लेना तो है ही, तो इसीलिए मैं लेके आऊँगा। क्या जहाँ दिख रहा है मतलब मैं लूँगा, इसका मतलब नहीं है कि मैं नहीं लूँगा। इतनी बार मार दिया फिर भी इनको ये नहीं हो रहा। खत्म ब्रो, बच गए क्या तुम? ये लो अब खत्म, अब खत्म। अच्छा अभी 2-3 बचे हैं, ये निकल गए थे ना। अच्छा अभी बच रहा है, हवे में ही है वो। नाइस, मैं यही करूँगा, मान लो ऑब्वियस सी बात है, और मैं ट्राई भी करूँगा ज़रूर कि क्या अनलॉक हुआ है। ओहो क्या बात है ब्रदर, मेरे फेवरेट अटैक बनते जा रहे हैं भाई इसके। अरे व्हाट द हेल, ये क्या हुआ? बट ये तो अनलॉक ही होगा ना मेरा, क्रेजी अटैक है। भाई ये तो वो वाला अटैक हो गया, अरे इससे मुझे उसकी याद आ गई, वो कौन सा था? अरे अभी बताते हैं, एक मिनट, नाम तो याद आ नहीं रहा मुझे वैसे। नहीं था उनको तो मार दी पहले, ये इसी वाले अटैक से मुझे उसकी याद आ रही है।
फुल 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 उसकी याद आ रही है ब्रदर। एक मिनट तो बस था। चलो इसको तो मार दो। बेंटन एलियन फोर्स में, एलियन फोर्स में था या फिर अल्टीमेट एलियन में था मुझे याद नहीं, लेकिन इन दोनों में से किसी में था जो वो येलो कलर का फेस होता था उसका, और वो किसी लड़की का या किसी लड़के का ऐसे अपने अंदर पावर एब्जॉर्ब करके फिर वो और सुंदर बनता जाता था, मतलब और अच्छी उसकी ताकत होती रहती थी। येलो कलर का उसका पूरा फेस था। तो उसने गोयन का भी लिया था, यूज़ किया था गोयन का भी उसने, बहुत गंदे तरीके से यूज़ किया था वैसे तो, लेकिन वो सेम टू सेम ऐसा ही, मतलब ऐसे ही उड़ता था वो येल्लो पूरा उसके रहता था। ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है भाई, वही फीलिंग आ रही है मुझे। वो वैसे विलन था बट मुझे वही फीलिंग आ रही है उसने इस एलियन के साथ। ओके कोई नई बात नहीं। अब रुक रुक, गए आ रहे हो बड़े। अरे इसीलिए इनके पास काफी अच्छे अच्छे पावर आ चुके हैं। अरे मिल गया, तीनों मिल गए शायद इस वाले में तो मुझे। नाइस भाई नाइस। अरे मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत हो पड़ गई है ना। जा हाँ, नहीं तो रुक ही नहीं रहा। और व्हाट द हेल, मैंने बोला था ना उसी के अंदर, और कुछ उसी के अंदर जाना था पहले, लेकिन वो खुला नहीं था। तो ऐसे ही जा सकता, अरे रुक जा, लेकिन मार के पहले हेल्थ ले लेते हैं थोड़ी सी। देखा बोला था ना, आई थिंक इसी एपिसोड में उसके साथ फाइट हो सकती है क्या? यस नाइस ब्रदर, हेलो ब्रदर। इज गॉन एंड यू विल बी नेक्स्ट। नो ब्रदर तू आ पहले, तुझे मैं बताऊँ। आ जा आ जा आ जा, अरे रुक रुक, 2 मिनट सांस ले, मुझे भी ले लेने दे। अरे पास 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 चल पहले तो। नहीं अरे वो पीछे हट जा रहा है भाई, उसके पास उसको पूरा पता है क्या होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। देखो वो फिर पीछे हट गया, उसको पता चल गया क्या होने वाला है। हाय
इसी से मरेगा ये मेरे को नाइस अब मरा इतने में ये यूज़ हो जाओ 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 नाइस 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 उसको मारना मुश्किल नहीं है ये इजी है डॉक्टर एनिमो को मारना शायद मुश्किल है डॉक्टर एनिमो ने ही शायद इसको भेजा है इसी इसको उसने ही भेजा है मैं इस वाले अटैक को तो भूल ही गया था इतने अच्छे अच्छे अटैक मिल गए ना कि मैं भूल ही गया पुराने अटैक थे कुछ ये अच्छा अटैक है ये भी मतलब कौन किस तरीके से लड़ रहा है उस हिसाब से अटैक आता ना ये अच्छा और पीछे जाता हूँ थोड़ा और हेल्थ ले लेते हैं ये क्या बन गया ओ पूरे इस शरीर में इसने अपने वो ले लिया पूरे इसके इंसेक्ट ना इनोइंग लग रहा है भाई इनोइंग इरिटेटिंग सेटिस्फाइंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा यस नाइस इसको मैंने मार दिया लेकिन इसका नाम क्या था ये नहीं पता ये नाइस ये अच्छा था ओ भाई ओके वर्मन आई विल आस्क यू वन लास्ट टाइम अच्छा बस बेहोश किया था वेयर हैज एनिमो टेकन ग्विन You're too late. With his new base, the good doctor has all the energy he needs to return this planet to its rightful masters. And quite soon, your girl will be no more than just another mixed-up creature in his mutant menagerie. Take it easy, Grandpa. We'll save her. I promise. नाइस मतलब ये कह रहा है कि बहुत लेट हो गया है उसको बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो अपने नए बेस में लेके गया है डॉक्टर एनिमो गवेन को और ग्रैंडपा को गुस्सा आ रहा था वो उसको मारने वाले थे लेकिन बेन ने समझदारी दिखाई उसने बोला कि हम बचा लेंगे आई प्रॉमिस यू मतलब उसने प्रॉमिस किया है अब टिप अ न्यू मूवी क्लिप इज नाउ अवेलेबल इन द एक्स्ट्रा मेन्यू ओके Bayou is complete. Bayou is complete. Okay. इस वाले में तीनों समोस लेमन कार्ड लिए पहली बार भाई दिख गए थे तो मैंने बोला लेकर ही रहेंगे कैसे भी तो ले लिया जो नहीं दिखते हैं ना जो या तो हिडन होते हैं या तो पता नहीं होता है कहाँ पे हैं तो वो मुझे पता ही नहीं है तो मैं लूँगा कहाँ से ये साफ साफ दिख गए थे जिस एरिया में मैं जा ही रहा था उसी एरिया में दिख गए थे तो मैंने ले लिया तो आज के एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में बेन 10 प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ के जब तक के लिए जय मंदिर एपिसोड लेवल बाय बाय